हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज आपके सामने मैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ, उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो जो आज मैं आपको डिज़ाइन बताने वाली हूँ वो एक बच्चों के लिए कार्टून टाइप का डिज़ाइन है। तो मैं अपने पीसों का नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 12 पीस हैं जो 3.5-3 इंच के हैं। आप चाहे तो इसको 3 इंच भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, पर ये जो हमें डिज़ाइन के बाद हमें एक्स्ट्रा इसको कट करना पड़ेगा। तो 3.5 इंच के ये 12 पीस हैं और 3.5 इंच के ये 12 पीस हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जिसकी लंबाई 8 इंच है और जिसकी चौड़ाई 5 इंच है, तो ये मेरे 2 पीस हैं अलग अलग कलर के। और फिर उसके बाद ये मेरे 2-2 इंच के पीस हैं और 3 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो 2 पीस ये हैं, 2 पीस ये हैं। उसके बाद ये थोड़ा मैंने कुछ पीस मैंने एक्स्ट्रा लिया फ्रेंड, क्योंकि बाद में हमें नाप के बाद हमें डिज़ाइन के अनुसार उसको कट करना पड़ेगा। तो ये मेरे 2.5-2.5 इंच के 3 पीस हैं और ये भी मेरे 2.5-2.5 इंच के 3 पीस हैं। ये मेरे 5.5 इंच की लंबाई है और 2.5 इंच की चौड़ाई है। ये 2 पीस है फ्रेंड्स, सेम नाप ये है। ये 6 इंच का, ये 6 पीस है फ्रेंड्स मेरे, 2.5-2.5 इंच की चौड़ाई और 5.5 इंच की लंबाई। तो ये मेरे 6 पीस है फ्रेंड्स। ये मेरे 4 पीस है फ्रेंड्स जिसकी लंबाई 8 इंच है और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो मैंने आपको इन सबका नाप बता दिया फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 पीसों को सिल लेंगे। तो ये 2 पीस सिल लेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद ये जो मेरे पीस हैं ये वाले, इसको हम आपस में लगा लेते हैं फ्रेंड्स। और आपस में लगाने के बाद हमें इनमें सिलाई करनी है, क्योंकि हमारे को डबल शेड के पीस चाहिए। तो हम इस तरीके से इस पीस को लगा लेंगे और इन दोनों लाइनों पे हम इनको सिलेंगे, और बीच वाली लाइन से हम सिलने के बाद कट करेंगे। तो मैं ये वाले पहले सारे पीस ये सिल लेती हूँ, बाद में आगे मैं डिज़ाइन सेट करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वाला पीस भी सिल गया है और ये वाले भी पीस मेरे सिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये पीस है हमारे, इसको हम बीच में से कट करेंगे, क्योंकि हमें डबल शेड का पीस चाहिए फ्रेंड्स। तो मेरे 12 पीस थे, तो अब ये 24 पीस तैयार होंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये ओपन होगा इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन सारे पीसों को पहले मैं कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये पीस हो गए हैं, और अब क्या करेंगे हम, अब इसे हम बीच में से कट करेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा 2.5 इंच का बोर्ड है। तो हम इस पीस को इस तरीके से रखेंगे कि इस नोक से उस नोक तक मिला होना चाहिए फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें 2.5 इंच का पीस चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम ऐसे निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो इंची टेप से अच्छे तरीके से नाप लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, ये 2.5 इंच ऐसा हमें चाहिए फ्रेंड्स। तो इसे हम, जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे मैं आपको कट करके दिखाऊँ फ्रेंड्स, कि हमें इस तरीके से कट कर देना है। ये देखिए, तो इससे हमारा पीस एकदम बिल्कुल सही शेप में और ठीक नाप से तैयार हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड, जब भी आप सिलाई करें तो सिलाई एक ही तरीके की लीजिएगा, कि हमें अगर एक पायदान की सिलाई चाहिए तो हमें एक पायदान की ही सिलाई लगानी है। अगर हम सही से सिलाई नहीं लगाएंगे फ्रेंड, तो हमारा डिज़ाइन छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा पीस तैयार हो गया है। इस तरीके से ही मैं ये सारे पीस अपने तैयार कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पीस तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 2 पीसों का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे 2 पीस हैं और ये भी 2 पीस हैं। अब हमें इनको आपस में सिलना है, तो ऐसे हम सिल लेंगे। तो ये दोनों पीस मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो गए। अब इसे भी हम इसकी मदद से 2.5 इंच नाप लेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच इधर से और 2.5-2.5 इंच लेना है हमें। तो इस तरीके से हमें बराबर ले लेना है। तो ये मैं 2.5 इंच का मैं नाप के इसको कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये वाला पीस भी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अभी पूरा डिज़ाइन मैंने सेट नहीं किया है, क्योंकि डिज़ाइन बहुत बड़ा है और इस फ़ोन की स्क्रीन पर ये डिज़ाइन पूरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पीस है मेरा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो ये जो पीस है, हम इनको पहले जॉइंट कर लेते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ रख के सिलेंगे और इसको इसके ऊपर रख के सिलेंगे। तो ये हमारी एक लाइन हो गई फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें इस लाइन को करना है। और फिर जब ये दोनों सिल जाएंगे तब हमें इस लाइन को जोड़ना है। तो पहले मैं सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल गया है। अब हमें इसे जॉइंट से जॉइंट को मिलाना है। यहाँ से पिनअप करेंगे और ऐसे सिल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये वाला पीस लेंगे और इसको भी हम सिल देंगे। ये मेरा एक्स्ट्रा ही है, इसे हमें बाद में कट करना है।
और ये पीस भी मेरे फ्रेंड्स थोड़े एक्स्ट्रा हैं, इसको मैं बाद में कट करूँगी। तो पहले हम इसको जॉइंट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। अब हमें क्या करना है, अब ये पीस और ये पीस हमें आपस में जॉइंट करना है। तो हम ये पूरा नाप लेंगे, ये मैंने आपको 5 इंच बताया था इसकी चौड़ाई, और नीचे वाले के भी 5 इंच चौड़ाई बताई थी। तो हम उसी हिसाब से, कोई छोटा बड़ा ना हो फ्रेंड्स, तो आपको इतना ही लेना है। और जो ये मेरा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो पहले हम इस पीस को सिल लेते हैं और इसी के हिसाब से नाप के हम ये एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो मैं ये आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो मेरा सिल गया है, मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया है, तो बिल्कुल नाप से तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम 4 पीस ये ले रहे हैं और इसको हमें सेम सिलना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसको यहाँ से सिलेंगे, तो ऐसे ही मुझे ये 4 पीस तैयार करने हैं। तो मैं इनको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आगे बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट करा है। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, अब सबसे पहले हम ये नीचे के 4 लेंगे, ये वाला पीस अलग से लेंगे, और ये मेरी पट्टी एक्स्ट्रा ही है फ्रेंड्स, और ये वाली भी एक्स्ट्रा है। तो पहले हम उन पीसों को जोड़ेंगे जिनका नाप बिल्कुल परफेक्ट है, और जो पट्टियाँ एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में जोड़ेंगे। तो ये देखिए, पहले हम इस 4 का पीस बनाएंगे और इसका बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे, और इसको भी यहाँ रखेंगे और यहाँ से सिल देंगे। ये हो गया फ्रेंड। जब हमारे ये 2 पीस हो जाएंगे, ये इसके साथ सिल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। जब ये जुड़ जाएंगे तो हमें ये जोड़ना है। तो मैं इसको सिल लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको मैं ये सिल के दिखाऊंगी। तो पहले मैं इसको सिलती हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सिल गए हैं, और जो मेरा एक्स्ट्रा था वो मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है, और इस पीस का एक्स्ट्रा अपने साइड में छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे। तो देखिए इस तरीके से, तो ये हमारे 2 जॉइंट आ रहे हैं, तो इसको हम पिनअप करेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे, और जो हमारा ये छोटा सा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा कम्प्लीट हो गया है ये वाला। तो सेम हमें ये पीस भी ऐसे ही सिलना है, तो मैं इस पीस को भी ऐसे ही सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस ये 2 पीस हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम इन पीस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने पहले ही सिल लिया था, आपको दिखाया था। तो इस पीस को हम इसके साथ जॉइंट करेंगे, और ये वाला पीस ये हम जॉइंट करेंगे। तो इसको हम यहाँ से रख लेती हूँ और यहाँ से सिलूँगी फ्रेंड्स, और ऊपर वाले को भी यहाँ ऐसे रख के ऐसे सिलूँगी फ्रेंड्स। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी, फिर इसके बाद ये वाली लाइन यूज करेंगे। तो इसको मैं यहाँ रख के ऐसे सिलूँगी, और इस वाले पीस को ऊपर से यहाँ रख के सिलूँगी। तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद ये वाली भी इसी तरीके से जॉइंट करनी है। तो पहले हम इसको तीनों लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। सेम हम इस वाली को भी ऐसे ही करेंगे फ्रेंड। तो इसको भी हम ये पीस कंप्लीट कर लेते हैं लाइन। तो हमें ये तीनों लाइन सिलनी है फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये बताई है। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी तीनों लाइन ये हो गई हैं, तीनों ये हो गई हैं। अब हमें क्या करेंगे, जैसे हमारा ये एक्स्ट्रा है और ये पट्टी एक्स्ट्रा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इस पीस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे, और जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा है वो ऊपर आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर हम उसको यहाँ से कट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पीस मिलाएंगे यहाँ से जॉइंट को, और फिर हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पीस को यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम सिलेंगे। ये 3 हमारे जॉइंट आ रहे हैं, तो हमें इन 2 पर पिनअप करना है और सिलना है। तो मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है। देखिए ये जॉइंट से जॉइंट मिले हुए आए हैं। अब जो ये मेरा एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ, फिर यहाँ हम ऊपर से इसको रख के सिल देंगे फ्रेंड्स। तो मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये सिल गया है, और मैंने जो यहाँ से हल्का सा जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कट कर लिया, ऊपर से भी हल्का सा कट कर लिया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे ही हम इसको कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसको कर लेते हैं फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद इस पीस को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे,
और इसको पलट देंगे। तो यहाँ हम इस पीस को यहाँ जॉइंट करके और यहाँ सिल देंगे। तो मैं ये वाला पीस सिल के दिखाती हूँ और ये वाला भी सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स ये मेरे हो गए। अब हम इस पीस को इस पर रखेंगे, जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ से सिलेंगे। इसको भी सेम जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और देखिए पूरा अच्छी तरीके से फिनिशिंग से पीस तैयार हो गया है। तो ये देखिए केकड़े का डिज़ाइन जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए और कुछ ना कुछ यूज कीजिए। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कुछ ना कुछ यूज कीजिए। तो आप ऐसे डिज़ाइन अपने बच्चे के लिए ब्लैंकेट बनाइए, बेडशीट बनाइए या पर्दे बनाइए, जो भी आपका मन करे, जिस चीज़ में आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे आप वो चीज़ बनाइएगा फ्रेंड्स। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए बाय।